अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जो हैं खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ वो कंप्लीट डिटेल है। दाद जो स्कॉलरशिप जर्मनी की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है उसके बारे में डिटेल देना, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और तमाम डिटेल जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगी और मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो में कवर करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि दाद जर्मनी फुल फंड स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है 2019-2020 के लिए, जिसके अंदर मास्टर, एमबीए, पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए जो है डिग्रीज के लिए स्कॉलरशिप ऑफर किया गया है। मंथली स्टाइफंड जो मास्टर के लिए, एमबीए के लिए वो 850 यूरो है, पीएचडी के लिए 1200 यूरो है। अब अगर हम इसके डेडलाइन की बात करें तो हर डिपार्टमेंट की अलग से डेडलाइन है, कोई एक स्पेसिफिक इसकी डेडलाइन नहीं है कि आपने फलाना डेट तक इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। चलिए हम चलते हैं कि मेन वेबसाइट की तरफ। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में कल पोस्ट की, आप देख ही रहे होंगे 2 आवर्स पहले मैंने पोस्ट की, इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ बताया, तकरीबन सारी डिटेल भी बताई हुई है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मेन वेबसाइट ओपन होती है जहाँ पे ये ओवरव्यू गिवन है। ओवरव्यू में बताया रहा हू कैन अप्लाई ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इस स्कॉलरशिप की कंडीशन है, जैसे स्कॉलरशिप में आइट्स मस्ट होता है बाहर के स्कॉलरशिप में, वैसे ही इस स्कॉलरशिप में ये कंडीशन मस्ट है कि आपके पास कम अज कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूरी है। What can be funded? अब इसमें प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देखेंगे, आपको ये लिस्ट नजर आ जाएगी। लिस्ट ऑफ दी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विद एप्लीकेशन डेडलाइंस, जो प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अंडर ऑफर किए गए हैं और उनकी डेडलाइन, जैसा कि मैंने बताया कि हर प्रोग्राम के लिए आपको अलहदा से अप्लाई करना होगा। आप 1 से more एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं लेकिन वो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म पर बतानी होंगी। तो हर प्रोग्राम के लिए आपको अलहदा से उसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। वो अप्लाई कैसे करना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ड्यूरेशन ऑफ द फंडिंग क्या है, 12 to 36 months डिपेंड ऑन स्टडी प्रोग्राम, 36 months फॉर पीएचडी, 12 to 24 months फॉर एमबीए और मास्टर स्कॉलरशिप। वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन कितना सॉफ्ट फंड होगा, क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या होगा कैंडिडेट फुलफिल द नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, ये जो मैंने आपको बताएंगे सेम वही, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास एक मोटिवेशन लेटर हो जो डिवेलपमेंट रिलेटेड हो और जो है ऐसे ही आई बाई शाइन ना हो। तो ये यहाँ पे आप इसका कंप्लीट गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। ये आपकी मेन साइड है, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, जब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले आपसे आपका कंट्री पूछेगा, कंट्री पूछने के बाद वो आपकी रिक्वायरमेंट देगा क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये शो हुआ कि लास्ट एकेडमिक डिग्री यूजुअली बैचलर डिग्री शुड हैव बीन कंप्लीटेड नो लॉन्गर देन 6 ईयर प्रीवियसली, 6 साल से पहले की आपकी वो डिग्री ना हो। लैंग्वेज स्किल्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया और वो जो है क्या कहते हैं जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पर, जब आप क्लिक करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने डैब एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, हैंड साइन सीवी, प्लीज यूज यूरोपियन स्पेसिफिक फॉर्मेट, यूरोपियन आपने फॉर्मेट यूज करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है ठीक, अगर नहीं है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी सीवी को बना सकते हैं। हैंड साइन लेटर ऑफ मोटिवेशन विद रेफरेंस टू करंट एजुकेशन, आप मैक्सिमम 2 पेज के होने चाहिए, आपका होना चाहिए। एकेडमिक्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये भी आपको पता है। प्रोफेशनल लेटर एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, जैसे कि मैंने बताया वर्क एक्सपीरियंस मस्ट है तो आपने वहां से अपना एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है। कन्फर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन योर होम कंट्री इफ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ऑप्शनल है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश टफल और आइट्स नोट, वी ओनली एक्सेप्ट एन एकेडमिक टफल। जर्मन नेसेसरी फॉर द कोर्सेज टॉट इन जर्मन, फॉर द कोर्सेज टॉट इन इंग्लिश इफ अवेलेबल, अगर तो कोर्सेज इंग्लिश में है देन आपको टफल या आइट्स में से एक चीज देनी होगी, लेकिन जर्मनी टफल को ज्यादा प्रेफर करता है बनिस्बत आइट्स के। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। डेडलाइन क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन चूजर स्टडी प्रोग्राम प्लीज चेक स्कॉलरशिप ब्रोचर और द वेबसाइट ऑफ योर चूजर स्टडी प्रोग्राम।
अब हम चलते हैं मेन साइट की तरफ कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स गिवन हैं, उनकी डेडलाइन क्या है और उनकी डिटेल्स या रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। वैसे तो मैं इसी वीडियो में बताता जाऊंगा कि आपने कैसे करना है, फिर भी जो है नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले पहले दिखाया था, यहाँ पे गिवन थी लिस्ट ऑफ कौन कौन सी थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विद एप्लीकेशन डेडलाइन, जब आपने डाउनलोड की तो आपके पास ये चीज सामने आई। अब इस चीज के सामने आने से अब ये देखिए यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो लेटर से जो पेपर है उसके अंदर गिवन है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, डिग्री एमए है, ड्यूरेशन क्या है 17 मंथ है, तो दैट स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है 31/8/2018, इसका मतलब 31 अगस्त 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये इनटेक है, एप्लीकेशन डेडलाइंस फॉर इनटेक 2019-20 के लिए इनटेक है वो ये है 31/8/2018, इसका मतलब आप 31 अगस्त 2019 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उसकी ये है, स्मॉल एंटरप्राइजेस उसकी ये है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट उसकी भी यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे इकोनॉमिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स दूसरा सेक्शन है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन का, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज अब उसमें के अंदर कौन सी है, ट्रॉपिकल है, हाइड्रो साइंस है, टेक्सटाइल है, एनर्जी एनवायरमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम मैथमेटिक्स इन इंडस्ट्री है, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज हैं, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज से कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे गिवन है, मेडिसिन पब्लिक हेल्थ में भी इंटरनेशनल हेल्थ बर्निंग यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी गिवन है और ये जो है उनके प्रोग्राम्स गिवन है। असल में ये यूनिवर्सिटीज वो आपको बता रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ये प्रोग्राम गिवन है। जैसे इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है HTW बर्निंग, इसके अंदर जो है ये डिपार्टमेंट को अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम चलते हैं ब्रूटो की तरफ जहाँ पे कंप्लीट डिटेल गिवन है। अब आप ये देखेंगे तकरीबन बहुत बड़ी फाइल है, 150 पेज की फाइल है जहाँ पे आपको सारी डिटेल गिवन है, आप वन बाय वन यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से प्रोग्राम से वो था, इकोनॉमिक साइंस है, डेवलपमेंट कॉपरेशन है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर साइंसेज है, नेचुरल एंड फ्ला है, पब्लिक हेल्थ है, सोशल साइंस है, मटेरियल सर्वी है। अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे आया है, एट प्रेजेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए गए हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताने के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हमने बता दिया है कि आपकी वो फुल रिक्वायरमेंट देखेंगे, आपकी एप्लीकेशन की कॉम्पिटेंसी देखेंगे, आपका मोटिवेशन लेटर देखेंगे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब स्कॉलरशिप फॉर द डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, अब एक जनरल उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कितने ईयर का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लैंग्वेज स्किल्स क्या होंगी, जैसा कि ये बताया है इन्होंने। हम चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, आपको बता दें अब यहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्मेलिटीज, अब बात ने अप्लाई कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ डिमांड की जाती है, बैड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको बता दिया है अवेलेबल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेंट्स हैव टू बी सेंड द रिस्पेक्टिव कोर्स डायरेक्टली, प्लीज रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन वो बता रहे हैं कि आपने हर प्रोग्राम के इसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सेंड टू दैट विल नॉट बी फॉरवर्ड टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो आप एप्लीकेशन दैट को सेंड कर रहे हो वो आपकी एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करेगा, तो आपने खुद वहाँ पे ऑनलाइन होगा अप्लाई करना है अपनी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मनी सेंड कर देने हैं, दैट के ऑफिस पर कॉन्टैक्ट ऑफिस गिवन है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये था सिंपल प्रोसीजर। अब नीचे देखें ना मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा, हैंड साइन सीवी होगी, हैंड साइन लेटर ऑफ मोटिवेशन होगा और जो भी हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट्स आ गए, मास्टर्स प्रोग्राम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखें टॉप पे पहला यही है मास्टर्स प्रोग्राम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स MIDE। अब हम जब इस पर क्लिक करते हैं, इस पर देखने के बाद आप देखें यहाँ पे डिटेल बताइए, लोकेशन क्या होगी इसकी, बर्लिन जर्मनी कैपिटल हैज अ पॉपुलेशन ऑफ द फ्लॉम, कोर्स फोकस क्या है, मास्टर इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द 18 मंथ का ये है। अच्छा जी 18 मंथ के होने के बाद टारगेट ग्रुप कौन से हैं, द प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपमेंट कंट्रीज एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, कोर्स लैंग्वेज क्या है आपका इंग्लिश है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल अपने प्रोग्राम की मिलेगी जो आप वहां से सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखें एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, एकेडमिक डिग्री इन इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल साइंस विद एट लीस्ट 12 कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ऑफ एट लीस्ट 3 इन इकोनॉमिक्स। तो ये सिंपल यहाँ पे जनरल उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। एप्लीकेशन होल्डिंग अ 3-year डिग्री आर इक्विवेलेंट, ये हो गया। यू आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू सी दी एमआईडी वेब पेज फॉर द डिटेल रिगार्डिंग दी एडमिशन रिक्वायरमेंट फिल अप्लाई। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से लिंक को कॉपी करके आप इसकी सारी डिटेल जो है देख सकते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज ओपन होती है। इतना ही ओपन होती है, हम नेक्स्ट जो है चलें, ओपन हो ही गई है। अभी देखें ये सारी जो है आपकी वो चीज सामने आ गई है जो उन्होंने बताया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग है, एडमिशन है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। आप यहाँ से देख के इसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 3 semester, समर सेमेस्टर इंग्लिश, कैंपस कौन सा है, सेप्टेम्बर कौन सी है, डेडलाइन फॉर सेप्टेम्बर 37 में यहाँ पे आई गई, जैसा कि देख लें पूरी क्रेडिट 90 है। यहाँ पे सारा कुछ गिवन है, आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग सब कुछ देख सकते हैं इस प्रोग्राम्स के लिए। तो आप अप्लाई पे भी क्लिक करके इस पर अप्लाई आउट कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह सब कुछ गिवन है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज, यहाँ से आप देखें सारे प्रोग्राम्स का आपको जो पता चलेगा आप उस पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे खड़ा था दार्ज स्कॉलरशिप का नाम भी ऑप्शन है, तो आपने यहाँ से देखने के बाद इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। अब देखें नेक्स्ट प्रोग्राम इनटेक 1 अप्रैल 2020, जो आपका नेक्स्ट इनटेक होगा वो अप्रैल में होगा इस प्रोग्राम के लिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका था कि डेडलाइन स्कॉलरशिप की क्या थी, 31 अक्टूबर 2019 अगस्त। तो यहाँ से आप देखने के बाद वर्ड इज सर्टिफाइड ऑथिफिकेशन कंडीशन एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे आप देखें सारा कुछ है, मेलिंग एड्रेस आपको गिवन है, मेक श्योर यू फिल द एडमिशन रिक्वायरमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट आपने यहाँ देख लेनी है। प्लीज प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ द रिसेसिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपने देख लेने हैं। इफ यू अप्लाई फॉर द दाल स्कॉलरशिप अटैच रिसेंट रेफरेंस एकेडमिक्स एंड द प्रोफेशनल पीजीएमआई एप्लीकेशन फॉर्म बस फिलाना है, यू ट्रांसक्रिप्ट चैनल, ये सारा भी देखने के बाद ये मेलिंग एड्रेस है एसटीबी बर्लिन, जो मैंने आपको बताया था कि वो यूनिवर्सिटी है जो आपको टेक ओवर कर रही है। हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी कैन नॉट कंफर्म द रिसीप्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आपने इनको भी डॉक्यूमेंट सेंड करें। जैसे बता रहा है कि हम हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होती हैं तो हम जो है कंफर्मेशन ईमेल सेंड नहीं करते। तो यहां से देखने के बाद आप अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये गिवन है मास्टर वालों ने यह बताया क्या क्या है। एप्लीकेशन डेडलाइन 30 सितंबर 2018 है। तो यहाँ से आप देखें वन बाय वन तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स गिवन हैं, उनके लिंक्स गिवन हैं, आप लिंक्स को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप अप्लाई आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। आप अपना मेजर देखें जो उसमें भी आप करना चाहते हो, मेजर कर देखने के बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फाइल आपको मिल जाएंगे यहीं से, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड होंगी। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करें, अगर आपके पास आइट्स नहीं है, अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोशिश करें उसको गेन करें, अगर है तो आप उनसे सर्टिफिकेट लें, अपना आइट्स को दें। अगर आइट्स नहीं है तो अगर आपके पास जर्मन कोई लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, आप जर्मन वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपने लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए हैं, वरना आप टफल इनकी तरफ जाएं और इस रिक्वायरमेंट को सारा पूरा करें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने ये फाइल्स डाउनलोड कहाँ से करनी है। जैसा कि आप देखें यहाँ से जब आप लिस्ट ऑफ द ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एंड में देखें फर्दर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स, ग्रेजुएट कोर्सेज, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे आपके पास आ गया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ब्रोचर ओपन होगा जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई, जहाँ पे वन टू ऑल सारी डिटेल गिवन थी। तो आज की वीडियो का मकसद जस्ट आपको ये बताना था कि दैट स्कॉलरशिप जर्मन का स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसकी डिटेल्स क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी नहीं है। तो फिर बताया करूँ इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी लैंग्वेज कोर्स के अलावा जो मोटिवेशनल लेटर होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सिलेक्शन में, और एक्सपीरियंस जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 year वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आज की वीडियो का मकसद जस्ट यही था कि आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देना, सब कुछ बताना। अगर अभी भी आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, या हमारी वीडियो आपको ज़्यादातर हेल्प आउट नहीं कर पाई, या जो आप देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरा जो ग्रुप
जिसको कैरियर्स हेल्प डेस्क के नाम से फेसबुक ग्रुप जो मैं चला रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आके भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये देखें हमारे पास बंडल ऑफ स्कॉलरशिप्स, जॉब डिस्कशंस, गाइडलाइंस, कैरियर काउंसलिंग, एडमिशंस, मोटिवेशंस, करेक्शन, हम काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं लोगों के फ्यूचर के लिए। तो आप यहाँ पे आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं कर सकते तो ये हमारा चैनल है जिस पर हम ये वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, सेम वही नाम है, कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से है। और हमारा जो टाइटल है, लेट योर ड्रीम टेक फ्लाइट, आए हम आपके ख्वाबों को परवान चढ़ाते हैं, मिलजुल के परवान चढ़ाते हैं। मैं कोई नहीं हूँ ऐसा जो आपको ये कर सकूँ, मैं बस गाइड कर सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ। तो कोशिश करें हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, हमारे साथ हेल्प आउट करें लोगों के फ्यूचर के लिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। तो अल्लाह हाफिज़। एंड पे मैं कहूँगा कि मेरे इस चैनल को या मेरे इस ग्रुप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।